ये व्हाइट फॉरेस्ट है ना, दोनों मिक्स है, मिक्स अप है ये वाला। गाइस तो अभी हम आए केक लेने के लिए, तो चलो अभी केक लेते हैं और इस पे अभी थोड़ा सा नाम मेंशन वगैरह करो। तो रात के बजने वाले हैं 11:35, कल हमारी एनिवर्सरी है, कल है 12 दिसंबर और शादी के हमारे 4 साल हो जाएंगे। फिलहाल इस टाइम हम अभी एक जगह से लौट रहे हैं शादी से। Hey guys, तो अभी हम लौट रहे हैं एक शादी से और अभी जा रहे हैं घर को और हमारी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी है। फिलहाल रात के 12 बजने वाले हैं तो इस टाइम अभी केक वगैरह काटने वाले हैं। चलते हैं घर पे और पूजा को सरप्राइज देते हैं, केक मैंने घर पे भेज दिया था और चलो अभी केक वगैरह काटेंगे, सेलिब्रेट करेंगे और आप लोग भी जितना हो सके कमेंट करो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। तो इसी दिन को हुई थी हमारी शादी और पूरे हो चुके हैं 4 साल और कैसे ये 4 साल बीत गया पता भी नहीं चला। नन्ना मुन्ना बच्चा भी हो गया और बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, वो भी 3 साल का होने वाला है जनवरी में। एक लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पल है हमारे लिए क्योंकि आज ही के दिन हमारी लाइफ में हमारी धर्म पत्नी का एंट्री हुआ था जिन्होंने हमारे लाइफ को बदल के रख दिया और बहुत ज़्यादा सपोर्ट, बहुत ज़्यादा प्यार, आप लोगों का प्यार सपोर्ट था जो हम जो भी है ना, मतलब आप लोगों की वजह से ही सब कुछ हो पाया है, वरना शायद हम जैसे लड़के का जो सपना है ना वो कभी पूरा नहीं हो पाता। और आगे भी बहुत सारा सपना है जो पूरा करेंगे आप लोगों के सहयोग और प्यार से। फाइनली पहुंच चुके हैं घर और घर आने के बाद ना मैंने 15 मिनट गेट ठकठकाया है, पूजा इतनी गहरी वाली नींद में सोई हुई थी ना कि पता नहीं अभी टाइम कितना हो गया। तो अभी टाइम हो गया 11:51, 12 बजने को है। तो चलो छोटा सा एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं रात को 12 बजे, स्मॉल मैरिज एनिवर्सरी छोटा वाला। तो यहाँ पे है हमारा छुटकु सा केक, तो लेके चलते हैं। तो यहाँ पे बनी को लग चुका था केक का सुगंध और ये इधर उधर कर रहा था कि इसको केक मिल जाए और केक पहले ही खा ले। कई घंटा में उठी क्या था ना, लेट से हम सोए, हम जगे हुए थे तो फिर ना जो चलो 12 बजने वाला है, बाद में बात करेंगे, चलो जल्दी चलो। क्या हुआ, हम केक लेके आए हुए हैं, पूरा नींद में ही हो गया। तो अभी हम लौट रहे हैं शादी पार्टी से, एक थी शादी पार्टी तो वहाँ से अभी जस्ट लौटे हैं एंड अभी 11:53 हो गया, 7 मिनट बचे हुए हैं 12 बजने में। इसके बाद होगा हमारा हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। तो यहाँ पे तो माचिस ही नहीं मिल रहा, रेडी हो गई, मेकअप लगाई क्या? चलो टाइम देख, तो टाइम हो गया है 11:56, डेट है 11:12 है मंडे, तो थोड़ी देर में हो जाएगा ये 12:12 एंड इसके बाद होगा हमारा एनिवर्सरी। तो फिलहाल ना चलते हैं अभी केक को सजाते हैं, मैच बॉक्स, केक निकालो। तो यहाँ पे पूजा जी केक निकालते हुए, सब कुछ तो है बट माचिस नहीं है जिसकी वजह से हम अभी इसमें मोमबत्ती नहीं जला पाएंगे और रात के 12 बजे अभी मैच बॉक्स मिल नहीं रहा है। काफ़ी ढूंढने के बाद हमें मिल गया था माचिस एंड अभी हमने जला लिया है मोमबत्ती। हमें लग रहा था कि अभी माचिस मिलेगा नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। फिलहाल 11:59 हो गए हैं, हम लोग काउंट डाउन कर रहे हैं कि जल्दी से 12 बजे और सेलिब्रेट करें अपना हैप्पी एनिवर्सरी। 10 9 8 7 6 आगे 5 4 3 जल्दी जल्दी हो जाओ, हम तो ऐसे ही काउंट कर रहे थे भी। 2 1 जल्दी 12 हो जाओ, 0 तो फाइनली 12 बजे। हैप्पी एनिवर्सरी, शादी रहा कौन सा, शादी के हो चुके हैं 4 साल, कैसे ये 4 साल बीत गए पता भी नहीं चला एंड ये नन्ना मुन्ना भी पीछे देख सकते सोया हुआ है, ये भी 3 साल का होने वाला है एंड फिलहाल
ये है हमारा प्यारा सा केक, रुद्रा पूजा हैप्पी एनिवर्सरी। तो रात के 12 बजे हम दोनों मिलके आराम से सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाकी देखते हैं कल का प्लान क्या होगा, जैसा भी होगा अच्छे सेलिब्रेट करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। एंड चलो फिलहाल आप लोग कमेंट करना। चलो 3, 2, 1 कैंडल। हैप्पी एनिवर्सरी टू मी, हैप्पी एनिवर्सरी टू मी। हे फैमिली, ये गए हुए थे शादी में, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि अभी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, केक काटेंगे। और मैं इतनी गहरी नींद में थी, पहले तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, ऊपर से मैं सोई तो फिर ये थोड़ी देर में आ गए और गेट पीट रहे थे, पता नहीं कितनी देर से पीट रहे थे। मैं आराम से सोई हुई थी, मुझे पता ही नहीं लग रहा था। और जब मैं उठी ना, एक दो बार गेट पीटने की आवाज़ आई तो मैं तो डर ही गई थी। तो ये बोल नहीं रहे थे, सिर्फ पीट रहे थे। तो दो तीन बार मैं सुन के मैंने खोला ही नहीं। उसके बाद पूजा खोलो बोले, तब जाके खोली। मैं तो एकदम नींद में थी, 10:30 की 11 बजे सोई थी मैं, और अभी तो 12 बज रहे हैं, 12 बज के सम कुछ मिनट हो रहे होंगे। बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज मिला। हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और सुबह से बहुत उठते ना, शिवांश को मिल गया है कैंडल हमारे रूम से, 3 कैंडल बच गए थे, वो मिल गया है। और उठते उठते कह रहा है, मम्मा हैप्पी बर्थडे। मम्मा। हाँ बेटा। एक कैंडल। एक कैंडल कहाँ, आप ही को तो दी थी मम्मा। ये रहा एक कैंडल। तो अभी हम लोग मोमो डल जाएगी, ऐसे मत करिए। तो अभी अभी बाबू जाएगा केक काटने के चक्कर। मैंने कह दिया ना, मैंने कह दिया ना कि मम्मा पापा ना आप सोए हुए थे तो केक काट लिया मम्मा पापा ने, तो ये ना ऐसे मुंह बना लिया। चलिए चलो। क्या हुआ बेटा, चलो अंदर चलो। केक कैंडल मिल गया इसको सुबह सुबह। अब कह रहा है कि केक केक काटेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू शिवांश। काट लिया केक, कैंडल लगा के जलाएगा तो अब केक काटेगा। वाह, टम्मी में चल गया शिवांश, चॉकलेट खा गया वापस लेके, और मम्मा को थोड़ा सा भी नहीं दिया। टम्मी में चला गया शिवांश का चॉकलेट। थोड़ा सा दे दीजिए बेटा, थोड़ा सा नहीं निकाले, थोड़ा सा भी नहीं दीजिएगा, कहो पोटी करेंगे तो निकल जाएगा। मम्मा को थोड़ा सा भी चॉकलेट नहीं देगा। ओके डन। ना चड्डी दिखा रहा तो नहीं, वो नहीं दिख रहा, चड्डी दिखा रहा है अपना व्लॉग में। चड्डी दिखा रहा है, वो चड्डी की नहीं है। हे फैमिली, तो इस व्लॉग से विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। हटाओ ना चड्डी। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड ऑल्सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया।
ये व्लॉग में बीच बीच में सुशांत का चड्डी कहाँ से आ जा रहा है? कौन लाया तुम्हारा चड्डी?